और अगली बड़ी खबर भी राजधानी रांची से, जहां पर जेल से धमकी देने के मामले में योगेंद्र तिवारी को कोर्ट में पेश किया गया है। सीआईडी ने सदर थाने में केस दर्ज किया था और अब इसे टेक ओवर किया गया था। धमकी मामले में 3 जेल कर्मियों को निलंबित भी किया जा चुका है। धमकी मामले में 3 जेल कर्मी निलंबित हो चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेल से धमकी देने के मामले में योगेंद्र तिवारी को कोर्ट में पेश किया गया। सीआईडी ने सदर थाने में केस को टेक ओवर किया है। योगेंद्र तिवारी को कोर्ट में यह पेश किया गया और इसके बाद सीआईडी ने सदर थाने में दर्ज केस को टेक ओवर किया। और इस पूरे मामले में आपकी जानकारी के लिए बताएं कि इस धमकी देने के मामले में 3 जेल कर्मियों को निलंबित पहले भी किया जा चुका है। जेल से धमकी देने का यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जहां पर योगेंद्र तिवारी को कोर्ट में आज पेश किया गया और सीआईडी ने सदर थाने में दर्ज केस को टेक ओवर कर लिया है। बाकी की जांच सीआईडी के हाथों होगी और सीआईडी अब इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी और जेल से जुड़े इस धमकी मामले को खंगालने में जुटी रहेगी कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे कौन से लोग हैं। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दें कि इस पूरे मामले में पहले भी तफ्तीश जारी रही है और ऐसे में ही कार्रवाई के दौरान 3 जेल कर्मियों को निलंबित भी किया जा चुका है। और इसी खबर पर अभी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए जेल से धमकी देने का यह पूरा मामला और योगेंद्र तिवारी की आज कोर्ट में पेशी हुई और सीआईडी ने सदर थाने में दर्ज केस को टेक ओवर कर लिया है। और इस पूरे मामले में हमने पहले भी देखा, जब कार्रवाई हो रही थी तब 3 जेल कर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया था। दीपक जी, बिल्कुल, देखिए शराब घोटाला मामले में जेल में बंद योगेंद्र तिवारी जो 19 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी हुई है, तब से वो जेल में बंद है। और जेल से धमकी देने के मामले को लेकर के जैसे ही मामला सामने आया, उसके बाद इस मामले को लेकर के सीआईडी जो है वो जांच कर रही है। पहले सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी और उस प्राथमिकी को सीआईडी ने टेकओवर किया है और टेकओवर करते हुए जांच कर रही है। आज योगेंद्र तिवारी को पीएमएलए की विशेष अदालत में लाया गया है, उन्हें पेश किया गया है। चूँकि योगेंद्र तिवारी जो है वो शराब घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो जेल में बंद है, जो कि पीएमएलए कोर्ट के जुडिशियल कस्टडी में है, तो वैसे में उन्हें आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट में लाया गया है, उनकी पेशी हो रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या इस मामले को लेकर के सीआईडी जो है वो रिमांड की मांग अदालत से करती है या नहीं करती है। अगर रिमांड की मांग करती है तो कितने दिनों के लिए रिमांड की मांग करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीका से जेल से एक धमकी देने का जो मामला सामने आया है, उसके बाद से ही जो है वो इस मामले को लेकर के सीआईडी जाँच कर रही है। और आपको पता ही है कि इस मामले को लेकर जिस तरीका से सीआईडी जाँच कर रही है और जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसका टेकओवर किया है, और इस मामले की जांच करते हुए जो होटवार जेल के जो जेलर है और एक अधिकारी और कर्मचारी को भी इस मामले में सस्पेंड किया गया है और इस मामले की जांच लगातार जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर सीआईडी अगर रिमांड पर लेती है तो कितने दिनों की रिमांड पर लेती है, और अगर पूछताछ होती है तो उस पूछताछ में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीका से शराब घोटाला मामले में जब योगेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी 19 अक्टूबर को हुई है और उसके बाद से ही लगातार जो है ईडी भी इस मामले को लेकर के जाँच कर रही है कि किस तरीका से झारखंड प्रदेश में जो है अवैध तरीका से शराब का कारोबार हुआ है, जो कि अवैध खनन मामले में जेल में बंद प्रेम प्रकाश के सहयोग से 19 जिला का जो शराब का थोक विक्रेता का जो है उनको लाइसेंस मिला था, और उसके बाद से वो अवैध तरीका से जो है शराब की कारोबार में वो लिप्त थे और अवैध तरीका से जो ज़मीन पर भी कब्जा कर उस ज़मीन को बेच करके उस जो आय हुआ है उसे भी शराब में इन्वेस्ट करने का आरोप है, और बालू का भी अवैध तरीका से कारोबार करने का आरोप है। तो कई तरह के एलिगेशन जो है वो योगेंद्र तिवारी पर लगा है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीका से जेल से धमकी देने का जो मामला सामने आया है, इस मामले को लेकर के जब सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई तो अब सीआईडी इस मामले को टेकओवर कर लिया है। तो अब सीआईडी आप देखने वाली बात होगी कि आगे जब जांच करती है तो जांच में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है। जी
बिल्कुल दीपक, देखिए अब सीआईडी ने इस पूरे केस को टेक ओवर कर लिया है और सीआईडी किस तरीके से इस पूरी जांच को आगे बढ़ाती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरीके से जेल से ये धमकी देने का खेल सामने आया था और उसके बाद सदर थाने में एक मामला दर्ज कराया गया और अब उस पूरे मामले को सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया और इस पूरे मामले में 3 जेल कर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।